अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पे। और जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जिस किसी भाई को वीडियोस अपलोड करवानी है या शूट करवानी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आया हूँ कल्याण कोंगांव बकरा मंडी में, जो सैटरडे की है। हफ्ते में 3 दिन लगती है, मंगल, जुमेरात और शनिचर, ठीक है। तो ये तीनों दिन आप लोग ये मंडी आ सकते हो। यहाँ ऑल इंडिया नहीं बोलते, मुंबई के आसपास जो दुकान वाले हैं, गोश्त वाले हैं, वो आके यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है अक्सर जो है कट्टू का माल आता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। पालने वाले बहुत कम आते हैं, जो नियर बाई सेलर लोग होते हैं, जो शौक करते हैं वो ही आके जो है यहाँ ट्रेडिंग करते हैं। बाकी पूरा कट्टू का माल है, जो नियर बाई शॉप्स वाले डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कट्टू मतलब कटिंग करके जो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो जो भाई भी इंटरेस्ट रखता है, भाई लेना चाहता है, वो जो है कल्याण में कोंगांव मुंबई की सेकंड बड़ी मंडी है, यहाँ आके आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा ओवरव्यू दूंगा। जिस किसी भाई ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट दूंगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, क्या 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 रेट पे है, ठीक है। तो चलिए आगे चलता हूँ। ये देखिए पूरा कट्टू का माल है, उसमें इंशाल्लाह जो भी चीज़ें रहेगी मैं स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया हूँ, या वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए बड़ा बच्चा है, तो प्राइसिंग मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताते चलूँगा। ज़्यादातर बच्चे फीमेल कट्टू का भेड़ ज़्यादा आप लोग दिखने बिकॉज ऑफ कट्टू की मंडी, ठीक है। ये देखिए तो ये पूरी जो है कल्याण की मंडी है। तो ये भी दो बच्चे, भाई क्या मांग रहे इसका? हाँ भाई क्या मांग रहे इसका? हाँ जोड़े 46,000 रुपये। क्या वजन करेंगे भाई ये? वजन क्या रहेगा इन लोगों का? वजन होगा 30-30 किलो। मतलब गोश्त की बात कर रहे हो क्या? ठीक, तो मतलब ये 55 किलो के बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। 46 मांग रहे हैं, ठीक। तो ये है कल्याण कोंगांव बकरा मंडी, यहाँ आप लोगों को जो है हकीका नियाज सदका हर लाइन के बच्चे बच्चियाँ मिल जाएंगे। तो कहाँ से आप भाई? तो हर बार इधर ही आते हो, सैटरडे की मंडी करते हो? हाँ। कितने बकरे लाते हो? 50 बकरे। मतलब बिक जाता है इधर माल? हाँ, बिक। तो क्या रेट चल रहा है गोश्त का मार्केट में अभी फिलहाल? हाँ भाई 700 रुपये चल बिक रहा है, ठीक है। तो ये कल्याण का रेट है, 700 रुपये बिक रहा है गोश्त, ठीक है। बड़ा बम्बई का 750, ठीक है। चलेगा तो ये मंडी हफ्ते में 3 दिन लगती है, वापस से मैं आप लोग कौन कौन से दिन लगेगी? मंगल, गुरुवार, शनिवार, ठीक है। आप क्या करते इधर? संभालते पूरा बकरे, ठीक है। टोटल कितने नग आए इधर? कितना? 14-15 हज़ार नग आ जाते इधर? 14,000 पूरा बिक जाता है माल? हाँ, पूरा। और जो नहीं बिकता क्या करते फिर लोग? शाम को जाली में रखते हैं, जाली में बांध देते, फिर अगली मंडी में बेचते। हाँ। तो ये प्राइवेट मंडी है ना, कभी टाइमिंग क्या है इधर मंडी का? टाइमिंग नहीं, टाइमिंग नहीं है। सुबह कितने बजे चालू होती है? 9 बजे। कितना? 9 बजे चालू होती है। और बंद कितने बजे होती है? 10-11 बजे शाम में। मतलब 12-13 घंटा मंडी लगती है। अच्छा, वो कल्याण की दो मंडी हो गई अभी, एक ये कोंगांव मंडी, एक है बकरा मंडी। ये मंडी में जल्दी जाता है, होता है। अच्छा, उधर तो आपके 2-2 बजे तक मंडी लगती है, ठीक है। तो वो उसका एड्रेस क्या आएगा उसका? भाजी मार्केट बोलते ना, ठीक है। तो चलेगा, तो भाजी मार्केट है और ये कोंगांव बकरा मंडी है, ठीक है। तो ईद के टाइम भी माल आता है ना इधर? बकरे ईद के, बकरे ईद में, ठीक है, ठीक है। तो ये अपडेट थी और जो चाचा आप लोगों को बता रहे थे। आपका नाम क्या है? हाँ, पंखा टोपी। हाँ। ये कैसा नाम हो गया? मेरा नाम पंकज था, मगर ये सब पंखा टोपी बोलते। अच्छा, ये सब पंखा टोपी बोलते। हाँ। तो पंकज भाई है जो पंखा टोपी के नाम से जाने जाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरे कितने नाग है भाई? ये पूरे कट्टू का माल है ना पूरा? दुकान का, दुकान का। क्या वो क्या मांग रहे इसका? 7,500 आपको कितना चाहिए? 9,000 रुपये से चाहिए, ठीक है। तो 7,500 लग गए, लेकिन दिया नहीं है, लेकिन बच्चे देख सकते हैं इसमें आप लोग, ठीक है। ये पूरा कट्टू का माल है। आप लोग बोलते हैं कट्टू में क्या रेट चल रहा है कल्याण कोंगांव में, तो ये रेट है, ठीक है। ये क्या वजन की पट्टी रहेगी? 12 किलो गोश्त की,
ठीक है, 12 किलो गोश्त की पट्टी है ये, ठीक है। तो जो भाई भी इंटर सकता है गोश्त वाला भी कल्याण कोनगांव बकरा मंडी आ सकता है। तो ये भी देख सकते हैं आप लोग, मंडी में ये एक बच्चा है, ठीक है। तो हर पट्टी में कोई ना कोई आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाती है, ये देखिए, ठीक है। तो ये कल्याण कोनगांव बकरा मंडी का मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, सैटरडे की मंडी है, ये देखिए बच्चा देखिए। तो यहाँ भी अच्छी खासी क्वांटिटी में माल आता है, जिस किसी भाई की भी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप लोग जो है मंडी आ सकते हो। और मंडी के अलावा भी माशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, उस पर भी आप लोग ले सकते हो। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये बच्चा देखिए, तो ये वाइट बच्चा भी है, ठीक है। तो एक और बच्चा दिख रहा मुझे बड़े कानों में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे कानों में, बड़े कानों में बच्चा है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पूरा बता देता हूँ, ज़्यादातर जो है इधर जो है कट्टू का माल आता है, ठीक है। मंडी लास्ट तक लगती है, ठीक है, ये देखिए। तो जिस किसी भाई की कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप लोग जो है, कट्टू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इधर ही है, मैं आप लोग बता दूँ, ठीक है। यहाँ से माल जो है मुंबई के हर कोने में जाता है, अलीबाग भी जाता है, कसारा भी जाता है, देखिए बच्चा लटकन देखिए, ठीक है। तो बड़े बच्चे भी है, हर रेंज के बच्चे हैं, ये देखिए पालने वाले, मतलब जो दो दांत हो जाए जल्दी हो जाते हैं उस हिसाब से लोग बेचते हैं, ये देखिए। तो ये बच्चे जो है मेरे ख्याल से सब दो दो दांत पे है, और हकीका नियाज वाले के लिए हिसाब से, ठीक है। ये बच्चे देखिए, लास्ट और भी है, हो सकता है ये एक वीडियो में पूरा बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक बच्चा लेके खड़ा है, उससे पूछता हूँ क्या मांग रहे हो इसका, 11,000 क्या वजन का बच्चा रहेगा, 17 किलो, जिंदा जिंदा 40 किलो नहीं है यार, जिंदा ये 32 किलो का बच्चा है, 35 किलो, ठीक है, 11,000 बोल रहे हो, ठीक है चलेगा। तो ये मंडी में देख सकते हैं आप लोग, ये इसका क्या मांग रहे भाई, हाँ 10,000 रुपया, यादन बच्चा है, और इसका 9,000 रुपया। आप कहाँ से हो, शाड़ से आए हो बेचने, तो लाके ऐसा कोई भी बेच सकता है, कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है क्या, सौदा हुआ तो पेमेंट है, ठीक है, लाके आप लोग बेच सकते हो। तो ये है कल्याण कोनगांव बकरा मंडी की अपडेट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनके पास ये बच्चा भी थोड़ा अच्छा है, बैठा हुआ है, अभी पैर में उसको कुछ है क्या नहीं है, ठीक है। तो रेट आप लोगों को डिफरेंट मिल जाएगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आती है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये साइड आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पूरा जो कट्टू का माल है लास्ट तक का। तो जो भी आप लोगों को चीज़ें मिल रही है देखने को मैं बता रहा हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल्याण कोनगांव बकरा मंडी की बता रहा हूँ। अच्छा लगा आप लोगों को अपडेट, कैसी लगी कल्याण कोनगांव बकरा मंडी? और अगर आप कल्याण के आसपास, मुंबई के आसपास रहते हो तो देवनार के बाद ये सबसे बड़ी मंडी, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ जो है पूरे जो है कट्टू का माल ही आता है, ठीक है। और जो आसपास वाले जो ट्रेडिंग करने बेचने आते हैं। तो ये था अपडेट कल्याण कोनगांव बकरा मंडी का। जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़।